अस्सलाम वालेकुम फूड गुड के नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज एक बहुत ही कमाल की वीडियो और नए नुस्खे के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाजरे की रोटी के साथ अगर आप ये एक छोटी सी चीज इस्तेमाल कर लें तो बहुत ही ज्यादा ताकत आपके अंदर आ जाएगी और अजू में किस कदर लंबाई होगी, मादा कितना पैदा होगा और टाइम खास तौर पर मर्द कितना लगा सकता है। जो लोग शलवारें गंदी करते हैं उन लोगों के लिए खास जबरदस्त चीज है। आज ये दो चीजें खा लें, यकीन करें कि पूरी जिंदगी याद रखेंगे, पूरी जिंदगी अजू एक सेंटीमीटर भी कम नहीं होगा। बहुत ही कमाल की चीज है। इसके सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अजूब में बहुत ज्यादा मोटाई और सख्ती पैदा होगी इसके अंदर और लंबाई भी पैदा होगी। ठीक है जी, आज तक किसी ने भी ये वीडियो नहीं बनाई बाजरे की रोटी के हवाले से और आप लोग अक्सर ये कई लोग हैं जिन्होंने आज तक बाजरे की रोटी खाई भी नहीं होगी शायद। तो बहुत ही कमाल की चीज आज पेश करने जा रहा हूँ। तो वीडियो का आगाज करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि फूड गुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बाजरे की रोटी के फायदे क्या हैं। ये गर्म और खुश्क होती है, कदरे काबिज होती है, बलगम को जज़ब करती है, पेशाब आवर है, देर में हजम होकर खून को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और ताकत बेपनाह पैदा करती है। बाजरे की रोटी खाकर अगर एक मर्द ऊपर से दो तोला गुड़ इस्तेमाल कर ले तो यकीन जाने कि ये एक रोटी भी जल्दी हजम होगी और ताकत में इस कदर इजाफा हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अजू में भी बहुत ज्यादा लंबाई पैदा हो जाएगी। सिर्फ करना कुछ नहीं है, बाजरे की रोटी बनाकर ऊपर से दो तोला सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल कर लेना है, बहुत ही ज्यादा ताकत हासिल होगी। यकीन जाने कि अगर आपने सुना होगा कि जितने भी हम परिंदे वगैरह घर में रखते हैं या मुर्गियां हैं या जो भी हैं तोते वगैरह रखते हैं उनको बाजरे अक्सर डाला जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। वो जितने मर्जी छोटे हों, जितनी मर्जी आपके घर में सर्दी हो गर्मी हो, वो सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये खाने से बहुत ज्यादा ताकत पैदा होती है और मदाफती निजाम बेहतर हो जाता है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत आ जाती है और कभी भी वो बीमार नहीं होते, ताकतवर ही रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद रखते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे अहबाब के साथ शेयर कीजिए। सदका जारिया समझकर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।